बहुत ही प्यारा सॉन्ग एक अजनबी हसीना से यू मुलाकात हो गई। सीखेंगे पियानो पे विथ नोट्स एंड कॉर्ड्स इन दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं हम कौन सा स्केल यूज करेंगे। सो स्केल वी आर यूजिंग इज एफ मेजर स्केल। इसके नोट्स होंगे सारे व्हाइट नोट्स एंड दिस ए शार्प अकेला ब्लैक नोट होगा। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं प्ले करूंगा, देन स्लोली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सो हियर वी गो। ठीक है, बहुत ही सिंपल से लाइन है, दो लाइन में पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे। तो फर्स्ट लाइन हियर वी गो। सो हम सी से स्टार्ट करेंगे, एक अजनबी, जो बी वर्ड है उसके ऊपर हम एफ कॉर्ड प्ले करेंगे। ठीक है, एक अजनबी, फिर नेक्स्ट लाइन, मतलब इसी लाइन का कंटिन्यू वर्जन आगे, हसीना से, यहाँ पे हसीना से मतलब ए शार्प नोट यूज किया, वहां पे हम प्लेस करेंगे हमारा ए शार्प कॉर्ड। ठीक है, ए शार्प मेजर, तो पूरी लाइन होगी एक अजनबी हसीना से। नाउ नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मूव करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप ही अपने आप से गानों के नोट्स, गानों के कॉर्ड्स एंड गानों के स्केल्स निकालना चाहते हो? तो इसके लिए हमने 2.5 घंटे का डिटेल्ड वीडियो कोर्स बनाया हुआ, जो कि आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, विथ 7 डेज रिफंड पॉलिसी, जहां पे अगर आपको कोर्स पसंद ना आए तो विदिन 7 डेज आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं पता आप किसके लिए वेट कर रहे हो। अगर आप भी अपने आप से ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, अपने आप से गानों के नोट्स निकालना चाहते हो, तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके कोर्स में जरूर एनरोल करना। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट लाइन, सिंपल, बहुत सिंपल सी लाइन है, ए शार्प से स्टार्ट करेंगे, यू मुलाकात, जी नोट पे प्ले करेंगे सी कॉर्ड, यू मुलाकात, इसी के आगे वाला पार्ट हो गए। ठीक है, हो गए, F नोट पे F कॉर्ड, सिंपल। तो पूरी जो 2 लाइन से की उसको साथ में देखते हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन सिमिलर होगी, छोटे से डिफरेंस है, देखिए, फिर क्या हुआ ये ना पूछो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सी ए शार्प के, अगर आप नहीं करना चाहते हो, सेम रखना चाहते हो तो सेम भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो यहाँ पे सी नोट को ऐड करना है। ठीक है, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, ये नॉर्मल वर्जन, फिर ये ना पूछो, दोनों कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नोट्स जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो उसमें सी इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर क्या हुआ ये ना पूछो। Now next line, कुछ ऐसी बात हो गई, पहले क्या किया था, अब क्या करेंगे, G की जगह पे C प्ले करना है, rest of the string is same। ठीक है, फिर से देखते हैं, कुछ ऐसी बात हो गई। ठीक है, so अब 4 लाइन को साथ में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरे सॉन्ग की जो सबसे मेन लाइन और जो सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है वो हमने सीख लिया। यहाँ पे मुकड़े का पार्ट हमारा खत्म होता है, अब हम मूव करते हैं हमारे अंतरे के पार्ट पे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि आपको सीखने में मजा आ रहा है। एंड अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोर्स में इससे x10 मजा आएगा। सो आप उस चीज को मिस करना नहीं चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक चेक करना, आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपको पछतावा नहीं होगा। ठीक है, सो अब अंतरे के पार्ट पे मूव करते हैं। सो हियर वी गो। सो
ठीक है, इस लाइन को सीखते हैं, बहुत ही सिंपल सा लाइन है, दो लाइन प्ले की मैंने, एक एक लाइन करके सीखेंगे। सो फर्स्ट लाइन, फिर से थोड़ा सा और स्लो जाएंगे, ठीक है, नाउ नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पे आपने जो ए शार्प नोट किया, नोट यूज किया मैंने, उसके जगह पे आप जी भी यूज कर सकते हो और ए शार्प भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। सो देखते एक बार फिर से, फिर से देखते, यहाँ पे मैंने जी यूज किया, पहले लाइन में हमने ए शार्प किया, मतलब दोनों आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जो आपको यूज करना है आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट लाइन, अब इजी लाइन को सीखना है, ठीक है, यहाँ पे जी जी कॉर्ड यूज किया एंड जी नोट से स्टार्ट किया, सी नोट पे सी कॉर्ड, सिंपल। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉर्ड प्ले किया, उसके बाद लास्ट नोट प्ले किया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इस तरीके से करना, ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट लाइन, हियर वी गो, ठीक है, ये लाइन को सीखते हैं, दो लाइन है, सिंपल, ए शार्प मेजर कॉर्ड यूज किया, फिर नेक्स्ट, यहां पे पहले कॉर्ड प्ले करना है एंड देन ये लाइन को कंटिन्यू करना है। पहले क्या किया था, साथ में किया था, देखो ऐसे, फिर कॉर्ड, नाउ नेक्स्ट लाइन, यहां पे तीन कॉर्ड यूज किए, ठीक है, हियर वी गो, यहां पे जी पे हमने सी कॉर्ड प्ले किया, दूसरा कॉर्ड, ठीक है, लाइन का, फिर और लास्ट नोट पे हमने एफ प्ले कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद वाले लाइन जो होगी वो फिर से सेम होगी, दैट इज ये वाली, एक अजनबी यू मुलाकात हो गई, फिर नेक्स्ट लाइन में, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, ठीक है। तो ये था पूरा सॉन्ग, आई होप आपको मजा आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड जैसा मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में कोर्स के लिंक है, आप उसे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।